बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुची शख्सियत मालक भगत श्री निरंजन दास गोयल जी पिछले दिन अपनी स्वासा की पूंजी खर्चते हुए परमात्मा के चरणा विच जा विराजे। श्री निरंजन दास गोयल जी उन्हां ने अपना सारा जीवन सच्चाई दे रस्ते ते चलदियां बिताया। आप जी बहुत ही चंगे संस्कारां दे धारनी अते सहनशील बिरती वाले इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद आप जी दिल खोल के करिया करदे सन। आप जी दे चंगे संस्कारां दा अते किरत कमाई दा लाया बूटा अज आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। आप जी दा समुचा परिवार बहुत ही पढ़िया लिखिया है, मिठ बोलड़ा है अते आपो अपने कारोबार विच उच्च बुलंदियां नूं छू रहा है। श्री निरंजन दास गोयल हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन अग्रवाल भवन सैक्टर 16 पंचकूला विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। इस मौके वड्डी गिनती विच संगतां तों इलावा कई समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगुआं ने शिरकत कीती अते श्री निरंजन दास गोयल हुणां दे कीते कम्मां नूं याद करदे होए उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। प्रेत लगा भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार विषयों की चले अंधेरी, विषयों की चले अंधेरी, ज्योत बुझाई है आप बचा, भव सागर से पार हो जा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार विषयों को नंद लाल तू छोड़, विषयों को नंद लाल तू छोड़, परमेश्वर से नाता जोड़, परमेश्वर से नाता जोड़, जीवन वेदन सार बना, भव सागर से पार हो जा, जीवन वेदन सार बना, भव सागर से पार हो जा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार हो जा। बोलो सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान के बहुत ही आदर और मान के योग्य इस प्रार्थना सभा में उपस्थित पवित्र आत्माओं, जिस चित्र के सामने आज आप अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हृदय से श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं और जिसका परिचय मुझे अभी परिवार से प्राप्त हुआ है, स्वनाम धन्य आदरणीय स्वर्गीय श्री निरंजन दास गोयल जी, जो परमात्मा की कृपा से एक लंबा जीवन, क्योंकि जब परिवार में पुत्र हों और पुत्र भी आगे विवाहित हो जाएं, पुत्रियां आदि, तो एक बहुत बड़ा लंबा जीवन ईश्वर की कृपा से इस दिवंगत आत्मा को निरंजन दास नामक शरीर से प्राप्त हुआ है। तो परिवार ने बताया कि श्री निरंजन दास जी, जिनके पिता हंसराज जी, माता भक्ति देवी के 5 संतानों में से तीसरे स्थान संतान प्राप्त थे। अल्प समय में पिता की मृत्यु के बाद श्री निरंजन दास जी ने अपने भाइयों के साथ अपने परिवार का एक प्रबंधन कायम किया, व्यापार प्रारंभ किया
और अपने दूरदृष्टि से सूझबूझ से अपने वैश्य गति को आगे बढ़ाया, क्योंकि धन का कमाना, व्यापार को चलाना ये वैश्य समाज का कार्य होता है। तो व्यापार आदि का जो कार्य प्रारंभ किया, बहुत अपना नाम एकर्जित किया, अपनी प्रतिष्ठा को कायम किया और सुनाम में ये बात इनके व्यापार पर प्रचलित हो गई थी कि जिस वस्तु का व्यापार श्री निरंजन दास जी करने लग जाएं, अन्य लोग आंखें मूंद करके उस व्यापार को, उस कार्य को करें, उसमें मुनाफा निश्चित है। तो इनके जीवन का पुरुषार्थ इस कार्य में झलकता है। दूसरा, श्री निरंजन दास जी के घर एक पुत्र, दो पुत्रियों ने जन्म लिया। बड़े अच्छे संस्कारों के साथ आदरणीय श्री निरंजन दास जी ने परिवार का पालन पोषण किया और बड़े संपन्न घरों में अपने पुत्र पुत्रियों का जो विवाह किया। श्री निरंजन दास जी बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कुंभ के मेले में कुरुक्षेत्र में उन्होंने बहुत लंगर लगवाए। माता नैना देवी के परम भक्त थे, गो सेवा के लिए विशेष योगदान दिया। साधु संतों के अर्थात सत्संग और विद्वानों के प्रति उनके हृदय में हमेशा आदर भाव बना रहा। सुनाम क्षेत्र के छोटी बड़ी सभी संस्थाओं में, मंदिरों से आप जुड़े रहे हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण सुनाम में इनको भक्त जी के नाम से जाना जाता था। ये इनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई उपनाम ऐसा हो जाए जो समाज में प्रतिष्ठा को कायम करे, तो भक्त जी के नाम से निरंजन दास जी जो है प्रसिद्ध हुए। और उनके जीवन की इच्छा थी और ये प्रेरणा भी थी, याद रख लेना, ये इच्छा नहीं थी केवल, ये उनकी ओर से परिवार को, समाज के लोगों को प्रेरणा भी थी। क्या प्रेरणा थी? कि मैं तो जाऊं लेकिन मेरे नेत्रों से संसार फिर से दिखाई दे जाए, जिसको नेत्रदान महादान कहते हैं। तो याद रख लेना, माताओं सजने इस बात से प्रेरणा लें, क्योंकि दुनिया में समय आने पर सभी ने जाना है, लेकिन हम कोई सामाजिक ऐसा कार्य करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां से प्रेरणा लें। तो नेत्रदान की जो इनकी प्रेरणा थी, उनकी शिक्षा पूर्ति के लिए गोयल परिवार ने उनके जो नेत्र हैं, वो सेक्टर 32 में जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, वहाँ पर दान किया। और उनके नेत्र 11 अक्टूबर को, जिस दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया, दो लोगों के लिए दिए गए और उनके जीवन में रोशनी की किरण प्रदान की। पर ताली के द्वारा स्वागत करेंगे आप कृतज्ञ होने के बाद। ये प्रेरणादायक इनके जीवन का एक विशेष योगदान रहा है। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और इनके वंश परंपरा में आदरणीय श्री विजय कुमार गोयल जी, जो ऊपर बैठे हैं, शायद यही होंगे जो मेरे सामने बैठे हैं, विजय कुमार जी परिवार के पुत्र वधु सम्माननीय श्रीमती उर्मिल गोयल जी, काहें बहन जी, जिन्होंने सेवा शुश्रूषा की, उर्मिल जी, और साथ में इनकी दोनों बेटियां, एक तो स्वर्गीय है श्रीमती प्रेमलता जी और दूसरी श्रीमती आशा गर्ग जी। आशा जी बहन जी कहें आप हैं, सुपुत्री श्री जो है वाइफ ऑफ श्री नारायण प्रकाश जो दामाद हैं मनसा से, और इनके पुत्र जिनके चेहरे पर तेजस्विता है और जिन्होंने अपने दादाजी के आशीर्वाद के साथ साथ उनकी सेवा का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, आदरणीय भाई श्री अमर प्रभु गोयल जी, नाम बहुत सुंदर रखा अमर जी, ये दादाजी के संस्कार हैं। और दूसरे सम्माननीय श्रीमती सिमरन जी, बहन जी कहाँ हैं, सिमरन, अच्छा बाहर है। साथ में परपुत्र निखिल और अखिल, देखिए कितना लंबा जीवन है प्रपुत्र, पीढ़ी बड़ी आगे। और सम्माननीय श्रीमती मीनाक्षी जी, जो वाइफ ऑफ अमनदीप बंसल, जो हमारे पीसीएस हैं, आदरणीय डॉक्टर अलका जी, वाइफ ऑफ डॉक्टर तरुण, जो बंगलोर से हैं। तो ये परिवार वंश परंपरा में निरंजन दास जी हरा भरा दूध पूस से संचित परिवार पीछे छोड़कर गए, ये परिचय मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन याद रख लेना, अब थोड़ी सी चर्चा, आपका ध्यान, आपका अंतःकरण आप कुछ समय के लिए मुझे प्रदान करेंगे और मैं उसमें वेद ज्ञान भरने का प्रयास करूंगा। माताओं सज्जनों, ये जो जन्म और मृत्यु है, इसके बीच का जो सफर है, इसको जीवन कहते हैं। जब शरीर में परमात्मा गर्भ का निर्माण करता है और गर्भ से लेकर शमशान भूमि तक के जो बीच का रास्ता होता है, इसको जीवन कहा जाता है। और इस जीवन में यदि मनुष्य जीवन मिल जाए तो अहोभाग्य होते हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहना पड़ा, मानव तन दुर्लभ ही पावा, ये मनुष्य का तन इतना सस्ता नहीं है जो हर जन्म में मिल जाए।
ये उसी को मिलता है। शास्त्र इस बात की गवाही देते हैं, प्रमाण देते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में शुभ कर्मों को जो बहुत अधिक संचित कर लेता है, तब जाकर हमें ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। और इस मनुष्य शरीर में यदि हमें विद्वान माता पिता मिल जाए, यदि हमें कोई विद्वान आचार्य मिल जाए, ये तीनों देवता उत्तम कोटि के मिल जाए, फिर भी अहोभाग्य मानो कि हमारा बहुत बड़ा जीवन का सौभाग्य है कर्मों का, जो परमात्मा ने इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर सामाजिक ताना बाना हमें दिया है। मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, तेरा वास बने रे दूर। मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, जो जवान है वो ध्यान से सुनना। तेरा रोब रंगीला और बदन गठीला, तू जवान भी सजीला चले झूम झाम के। तेरा रोब रंगीला और बदन गठीला, तू जवान भी सजीला चले झूम झाम के। ये जो फूल सी जवानी चंद रोज की निशानी, आने जानी ये जवानी रख रोक थाम के। बड़ी कम होती है जवानी, बुढ़ापा बहुत लंबा होता है। चंद रोज की निशानी ये जवानी रख रोक थाम के, इस पे ना कर तू गुरूर। मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। और जो कमाते हैं वो भी ध्यान रखना, कमाना जरूर लेकिन न्याय से, किसी का हक हलाल से, किसी का निवाला ना छीना गया, ध्यान रख लेना। तो क्या कहा, ये जो राजशाही ठाट और भूमि के पलाट, हाट बाट खाट लाट यहीं रह जाएंगे। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो राजशाही ठाट और भूमि के पलाट, हाट बाट ठाट लाट यहीं रह जाएंगे। ये जो माया के मकान चूम रहे आसमान, ध्यान रहे ये ढलान सब ढह जाएंगे। होंगे सभी ये चकनाचूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। और अंतिम समय कैसा होगा याद रख लेना, आप नहीं देख पाओगे, मैं भी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं। कोई कहे माई बाप, कोई कहे भाई बाप, ये शरीर में रिश्ते बने हैं ना, कोई माता कोई पिता, कोई मामा कोई फूफा, कोई चाचा कोई चाची। कोई कहे माई बाप, सब करेंगे विलाप, आप पढ़े चुपचाप कोई बोलेगा ना चलेगा। कोई कहे माई बाप, सब करेंगे विलाप, आप पढ़े चुपचाप कोई बोलेगा ना चलेगा। नाड़िया टटोले कोई मुंह तेरा खोले, चार बूंद पानी तेरे मुख विच डालेगा। रोएंगे खड़े हो मजबूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा। और अंतिम समय जब वो यात्रा होगी, याद रख लेना, ये सारथी जब तक आत्मा, ये सारथी है, ये रथी काम का है, जब वो सारथी निकल गया तो अर्थी बच जाएगी। मिले काट की सवारी, काट की होती है ना अर्थी, मिले काट की सवारी रहे पूछ नारी नारी, आज कहाँ की तैयारी जरा बोल तो सही। लई तगड़ी भी तोड़ रहे गए करोड़, लिए पाँव क्यों सिकोड़ जरा डोल तो सही। लक्ष्मण क्यों बिखरा तेरा नूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। आज उस रब्बी व्यक्ति दे अंतम अरदास विच असी वख वख राजनीतिक समाजिक धार्मिक ते ऑफिसर साहबान उरे आए ने, उन्हां नूं जीवन तो उन्हां बारे पंडित जी बैठे ने, मेरे अंदर एक बलबला पैदा होया भी जरूर कुछ ना कुछ शब्द कहे जान, क्योंकि पंडित जी ने अपने शब्दों के विच जो कुछ कहा है, जो दस्या है, मैं भी अपने जीवन के विच पहली बार इस तरह तो इन्हों सिक्ख्या प्राप्त की है। निरंजन दास भगत जी बारे मेरा ख्याल है अपने आप में धार्मिक एक समाजिक एक संस्था रूपी व्यक्ति से,
क्योंकि उन्होंने शहीदां पीरां फकीरां दी धरती उत्ते जन्म लैके उह सबूत पैदा कीता जिन्हां ने अपनी जिहड़ी महक है उह सुनाम दे विच नहीं उह पंजाब दी जिहड़ी साडी राजधानी है उह हरियाणे दी राजधानी है चंडीगढ़ विखे मतलब उसकी महक पूरे पंजाब दे विच फैलाई है क्योंकि जो लोग इतने लोग रहते ने वो उन्होंने जानते नहीं सनान दे विच किसी कॉर्नर से चले जाओ उत्थे भगत जी के नाम नाल इन्हां नूं जाणिया जाता है। अज पंडित जी कह रहे थे भी यह सरोवर सभा जां होर मैं अपने जीवन के पहली बार इस तरह के भोग से बोल रहा हाँ जिथे इस तरह दी महान शख्सियत इस तरह की लंबी हस्ती हरेक बंदे ने जाना है जो बंदा आया है उसने जाना है परंतु जो इस तरह जाता है एक अनोखा किस्म का जाना है जिन्होंने और विजय कुमार जी वर्गे पुत्र पैदा किए क्योंकि विजय कुमार जी मेरा परम मित्र है। मैं वो दिन याद आ रहे हैं धरौने विखे जो असं शादी से गए इन्हों का नचना इन्हों का खुशी क्योंकि अकलौते पुत्र का होना उसकी शादी होना उन्होंने हाव भाव मैं अच्छ प्रगट नहीं कर सकता थोड़े सामने और विजय कुमार जी ने वो मेहनत की है वो काम किया है सनाम के विच कोई भी दाना वास्ते चला गया इन्होंने भज के दान दिता है और कोई भी आदमी दुखी होया और हथ के हिलाव जी गल की है और डंके जोर की जी गरीब आदमी की मदद की है तो डंके ने जोर की है कि विजय कुमार को चले जाओ। सो उस बाद अमर प्रभु जी इन्होंने सबूत इन्होंने होनहार पुत्र और इन्होंने बारे मैं शब्द नहीं कह सकता है भी इन्होंने वो महक इस चंडीगढ़ विखे और इस तरह फैलाई है और वाकई ही और साढ़े बाबू जी की याद जी हैगी है जो असी मैं हूँ हूँ चीमा साहब का टैलीफोन आया जो साढ़े पंजाब आर्ट एसोसीएशन के प्रधान ने भी तुसी जी सोग मता मेरे वालों दे दियो। मैं चीमा साहब मैं सोग मता नहीं कह सकता है ना मैं सोग मता देव क्योंकि इस तरह की उम्र के जाना अज भी असं सोग मता दे क्योंकि साड़ी एक परंपरा बनी हुई है असं चाहते भी सोग मता दे दो जी सोग मता कह दे जी मैं कह रहा यही मौत यह जिहड़ा जीवन है वो हरेक बंदे को मिले इतों बड़ी खुशी साढ़े वास्ते कोई नहीं है। और विजय कुमार जी आर्ट एसोसीएशन सूबा सकत्र ने की याद में विजय गोयल जी की तरफ से 1,00,000 रुपए गौशाला को इन्होंने दान किया है क्योंकि गौओं की सेवा का बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा संकल्प रहा है उस संकल्प को आगे ले जाते हुए इन्होंने भी अपनी तरफ से 1,00,000 रुपए गौशाला में और भी कई संस्थाओं के लिए इन्होंने धनराशि दी है वो उनको पहुँचा दी जाएगी। सभी आए हुए सज्जनों से प्रार्थना है कि इस प्रार्थना सभा के बाद नीचे खाने का प्रोग्राम है सभी खाना लेकर जाएंगे अभी आरती होगी सभी खड़े होंगे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यान में पल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण रहूं मैं किसकी स्वामी शरण करूं मैं किसकी तुम बिन और अंधोजा प्रभु बिन और अंधोई आस करूं मैं जिसकी। ओम जय पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में पिता जैसा नहीं कोई मेहरबान दुनिया में पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में पिता
पिता ब्रह्म